They tell me that. हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटे मैकेनिज्म ऑफ एसिम्प्टोटिक रिएक्शन। टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, मैंने कौन सा टॉपिक बोला है, मैकेनिज्म ऑफ एसिम्प्टोटिक रिएक्शन। आइए हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिम्प्टोटिक रिएक्शन। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एल्किल हैलाइड बहुत टाइप की रिएक्शन शो करता है। एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, एलिमिनेशन देता है, रिडक्शन देता है, रिएक्शन विद मेटल्स देता है, और उसके अलावा रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी शो करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड की, उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर बेटे हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, बहुत ध्यान सुनना, अगर बेटे हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटे दो टाइप की होती हैं। एक को SN1 बोलेंगे और दूसरे को SN2 बोलेंगे। फिर से देखना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक को SN1 बोलेंगे और दूसरे को SN2 बोलेंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो कौन सी इनमें से है, SN2। एक बार फिर से ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की होती है, SN2। तो हम बात करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शंस की। अगर हम SN2 रिएक्शंस की बात करें तो इसके कुछ पॉइंट्स पहले ध्यान दे लीजिए, मैकेनिज्म में उन पॉइंट आएंगे, यानी ये पॉइंट्स जो बताने जा रहे हैं अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मैकेनिज्म के अंदर आ जाएंगे। तो हम ध्यान देना, SN2 रिएक्शन की अगर बात करें तो इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहली बात, ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, ध्यान देना बेटा। पहली बात मैंने बोला, दिस रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और दूसरी बात, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती है, मतलब अभी सब कुछ समझाएंगे। ये रिएक्शन बेटे सेकेंड ऑर्डर की होती है। और अगली बात ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप। ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट इज रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर, यानी SN2 रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है। और दूसरी बात मैंने बोला, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और तीसरी बात, ये रिएक्शन जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप, ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। और अगली बात ध्यान दीजिएगा, यहां कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यानी न तो कार्बोनियम आयन बनेंगे, न कार्बेन आयन बनेगा, न फ्री रेडिकल बनेगा। ये बहुत खास बात है कि यहां कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, न तो कार्बोनियम आयन बनेगा, न कार्बेन आयन बनेगा, और न ही फ्री रेडिकल बनेंगे। और अगली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें बात आई कि जब कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो बनेगा क्या, तो इसमें बेटे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी संक्रमण अवस्था बनेगी। और एक खास बात, इसमें वाल्डन इन्वर्जन होगा,
वाल्डन इन्वर्जन होगा, प्रतिलोपन। वाल्डन इन्वर्जन यानी वाल्डन प्रतिलोपन होगा। हम बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शंस की। SN2 रिएक्शंस को समराइज किया है मैंने, लेकिन इनको सब हम डिस्कस करेंगे। इसकी जब मैकेनिक पढ़ेंगे तो ये सारी बातें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट फॉर द SN2 रिएक्शन, ये बारी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में द्वि अणु क्रिया है, बाई मॉलिक्यूलर। दूसरा मैंने बोला सेकंड ऑर्डर है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। और तीसरा मैंने बोला रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा, ओनली वन स्टेप होगा, कंप्लीटेड इन ओनली स्टेप। ओनली स्टेप का मतलब केवल एक स्टेप में, और इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यानी जब मैकेनिज्म देखेंगे तो देखेंगे ना कार्बोनियम आयन बनेगा, ना कार्बेन आयन बनेगा, ना ही फ्री रेडिकल बनेगा। तो बेटा बनेगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और अगली बात, इसमें वाल्डन इन्वर्जन होगा। कौन सा होगा, वाल्डन इन्वर्जन। आइए एक एक बात को जरा क्लियर करते हैं। एक और बात इसी में कि अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलें और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलें और प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलें, मैंने बोला टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलें, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलें और प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलें, तो ध्यान देना सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN2 नहीं देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही SN2 देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है, बोला है कि जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है ये SN2 शो नहीं करेंगे। SN2 शो कौन करेगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी, और वो भी प्राइमरी तेज करेंगे। यानी इसकी रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड की जो होगी न्यूक्लियोफिल के साथ वो फास्ट होगी, और सेकेंडरी की जो SN2 होगी वो स्लो होगी, और टर्शियरी बेटा करेगी ही रिएक्शन नहीं SN2। अगली बात ध्यान देना बेटा, इतना क्लियर होना चाहिए। अगली बात मैंने क्या बोला, ध्यान देना बेटा, मैंने बोला कौन रिएक्शन ये शो करेगा, प्राइमरी शो करेगा फास्ट, सेकेंडरी शो करेगा स्लो, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN2 शो नहीं करेगा। अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो अगर हम बोले एल्किल हैलाइड आयोडाइड है, एल्किल हैलाइड ब्रोमाइड है, एल्किल हैलाइड क्लोराइड है, अगर एल्किल हैलाइड आयोडाइड है, एल्किल हैलाइड ब्रोमाइड है, एल्किल हैलाइड क्लोराइड है, और लास्ट लिखा एल्किल हैलाइड फ्लोराइड है, तो ऑर्डर ये होगा, ये ऑर्डर होगा। यानी इसका मतलब ध्यान देना, प्राइमरी शो करेंगे, सेकेंडरी शो करेंगे, टर्शियरी नहीं शो करेंगे। प्राइमरी तेजी से SN2 करेंगे और सेकेंडरी स्लो SN2 करेंगे। और अगली बात मैंने बोला, अगर एल्किल हैलाइड एल्किल आयोडाइड है तो फास्ट रिएक्शन होगी, एल्किल फ्लोराइड के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होगी SN2। तो इतने पॉइंट एकदम कॉपी पे प्रिंट कर ले, ये सारी समरी है SN2 की। लेकिन ये सारे पॉइंट अभी समझ में नहीं आए होंगे, समझ में जरूर 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 आएंगे, लेकिन मैकेनिक में जब मैं मैकेनिक पढ़ूंगा तो इस समझ में जरूर आएंगे। ये कॉपी कर लें और ये जीवन भर याद रखना SN2 SN1। रीजन क्या है, बगैर SN2 और बिना SN1 के आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी रह जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन पॉइंट्स में आते हैं SN1 और SN2। इतने पॉइंट्स कॉपी करें जल्दी से, फिर एक एक पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे सेकेंड ऑर्डर है, कैसे बाई मॉलिक्यूलर है, कैसे एक ही स्टेप में हो रही है, क्यों नहीं बन रहे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, वाल्डन इन्वर्जन कैसे होता है, और ये प्राइमरी के लिए क्यों हो रही है, सेकेंडरी के लिए क्यों हो रही है, टर्शियरी के लिए क्यों नहीं हो रही है, और क्यों RI के लिए ज्यादा तेज होगी और RF के लिए स्लो क्यों होगी। ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे विद इन द मैकेनिज्म।
कॉपी करें जल्दी से। तो पहले दो पॉइंट जरा क्लियर करते हैं कि ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर क्यों है और ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर क्यों है। अगर कॉपी हो गया हो तो आप लाइव चैट में डाल दे कि ये नोट कर लिया है मैंने। इसको नोट जरूर करिएगा कॉपी पे, इरेज करें, कर दे इरेज। ओके, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया। आइए देखते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर टू रिएक्शन। एक एक पॉइंट यहां जो मैंने लिखा है सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं, सपोज करिए कि कोई एल्किल हैलाइड लिया RCH2X, इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया किसी न्यूक्लियोफिल से। ये न्यूक्लियोफिल OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, MC माइनस हो सकता है। कल हमने न्यूक्लियोफिल देखे थे कौन कौन हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया और अटैक करके बना दिया RCH2MU, यानी इससे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफिल जुड़ गया। एक्स को किसने हटा दिया, न्यूक्लियोफिल ने, और स्वयं जुड़ गया जाकर के कहां, जहां एक्स जुड़ा हुआ था। तो बताओ एक्स को किसने हटाया, न्यूक्लियोफिल ने, और न्यूक्लियोफिल खुद वहां पे जुड़ गया, यानी एक को हट करके दूसरा अगर जुड़ रहा है तो रिएक्शन को हम बेटे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन, ये प्रतिस्थापन क्रिया है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला, क्योंकि न्यूक्लियोफिल ही अटैक कर रहा है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक तो पक्का ही होगी, और एक्स को हटाकर एमयू जुड़ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन भी पक्का होगी। अब बात यह आई है बाई मॉलिक्यूलर कैसे है और सेकेंड ऑर्डर कैसे है। तो ये देखते हैं बेटे बाई मॉलिक्यूलर कैसे है और सेकेंड ऑर्डर कैसे है। अगर हम ध्यान दें, बहुत आराम से समझिएगा, रिएक्शन के रेट को हम dx/dt से शो करते हैं। हमने बोला रिएक्शन के रेट को किससे शो करते हैं, dx/dt से। और यहां जरा ध्यान देना बेटा, हम जो बोल रहे हैं यहां हम दो ग्राफ शो कर रहे हैं, इन ग्राफ की मदद से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी हर 100% समझ में आएगी बात। यहां लिखा ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां हमने लिखा सब्सट्रेट, यहां भी लिखा ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां लिखा न्यूक्लियोफिल। गौर करना बेटा, ये दो ग्राफ बना रहे हैं। हमने कहा यहां लिखा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के क्रिया करने का रेट, रिएक्शन के चलने का रेट, और यहां लिखा सब्सट्रेट। तो बताओ बेटा ये जो है कंपाउंड कौन है, सब्सट्रेट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज न्यूक्लियोफिल, ये सब्सट्रेट है और ये न्यूक्लियोफिल है। आइए इस ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा ये सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बेटे सब्सट्रेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके, देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा, यानी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पर, यानी सब्सट्रेट का अमाउंट या कंसंट्रेशन जितने बढ़ाओगे ये रिएक्शन तेजी से प्रोसीड होगी। ओके, यानी इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन के।
एकदम क्लियर। यानी इसको कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रिएक्शन का रेट भी तेजी से बढ़ेगा। मतलब क्या है, रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देता है, यानी डीएक्स बाय डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन के। अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिल के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। जब न्यूक्लियोफिल के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी बिल्कुल हूबहू सेम ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिल के कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। डीएक्स अपॉन डीटी सब्सट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और डीएक्स अपॉन डीटी न्यूक्लियोफिल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। यानी इसका भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। यानी इसको हम लिखेंगे डीएक्स अपॉन डीटी, इसको हटाएंगे कांस्टेंट ले आए के और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल। तो बताओ बेटा, इसकी पावर भी वन है और इसकी पावर भी वन है। आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर को ऐड करके बनती है। तो सब्सट्रेट की पावर वन और न्यूक्लियोफिल की पावर वन, यानी टोटल पावर कितनी आई, टू। इसीलिए रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी, हेंस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। हेंस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की क्यों है। ओके, श्योर हो गया ना कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन का रेट यानी आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। तो SN2 रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, श्योर 100% श्योर होना चाहिए। दूसरी खास बात, ये रिएक्शन मैंने बोला बाई मॉलिक्यूलर है। दिस रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर, द्विअणु प्रक्रिया। बाई मॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल सब्सट्रेट का यूज हो रहा है रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए और दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिल का यूज हो रहा है रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, इसीलिए रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन बेटे कैसी हो गई, बाई मॉलिक्यूलर। तो दो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट, कोई संशय, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एंड रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर। SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की भी होगी और बाई मॉलिक्यूलर भी होगी। कॉपी कर ले बेटा। कॉपी हो जाए, डन बोले आप कि कॉपी हो गई, आगे बढ़े फिर हम। एकदम क्लियर, 100% क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि SN2 रिएक्शन, जब तक आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब तक आपको SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन तैयार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे काम चलने वाला नहीं है। आइए इसके मैकेनिक पे ध्यान देते हैं। एक सिंपल सी मैंने रिएक्शन लिखी, मान लो CH3 CH2 Cl, और इसकी रिएक्शन मान लिया OH- से करा दिया, यानी न्यूक्लियोफिल ले लिया, कौन सा,
OH माइनस और ये कंपाउंड बन गया CH3CH2OH। मैंने बोला एक रिएक्शन लिखा है कि एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे कराई है, एक न्यूक्लियोफिल से कराई है, कौन सा OH माइनस, और OH माइनस यहां पर जुड़ गया और Cl माइनस निकल गया होगा। इस रिएक्शन की हमको क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म, ध्यान देना बेटा। इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम और जरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। ये CH3 यहां हमने लिखा CHD, अभी क्लियर कर रहे हैं बात को, हमने बोला ये CH3 ही लिखा और यहां CHD लिखा Cl, इससे OH माइनस रिएक्ट करे और बनाए CH3CHDOH प्लस Cl माइनस। अब ये D का मतलब क्या है जरा समझिएगा, यहां देखना इस कार्बन पर बेटे दो हाइड्रोजन है, हमने मान लिया एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फॉर्म में है यानी प्रोटियम वाला है और दूसरा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हाइड्रोजन के दो दो तीन तीन आइसोटोप है, एक को हम बोलेंगे प्रोटियम और अगले को बोलेंगे ड्यूटेरियम, यानी सेम टाइप के दोनों हाइड्रोजन लेकर नहीं चल रहे हैं, एक हाइड्रोजन इसमें से प्रोटियम ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ले लिया। ये हमने क्यों लिख लिया है ये आगे हम जानेंगे, मैकेनिक में बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर हम दो टाइप के हमने क्यों हाइड्रोजन लिया है। तो आइए देखते हैं बेटा बहुत आराम से इसकी मैकेनिक शुरू करते हैं। सपोज करिए ये कार्बन ये वाला मैंने लिखा, इससे CH3 लिखा था तो CH3 लिख दिया, इस कार्बन से एक CH3 लिखा था तो मैंने CH3 लिख दिया, और मान लिया ध्यान देना बेटा एक यहां पर Cl लगा था इस कार्बन से तो ये Cl लगा दिया, देखना बेटा इस कार्बन से एक क्या लगा था CH3 तो CH3 लिख दिया, एक Cl लगा था तो Cl लगा दिया और एक ड्यूटेरियम लगा और एक हाइड्रोजन लगा है, ध्यान देना बेटा एक ड्यूटेरियम लगा है और एक हाइड्रोजन, मान लिया हाइड्रोजन लगा है डैश पर और ड्यूटेरियम लगा है वेज पर। इस बात को जरा समझने का पूरा प्रयास करना, यहां मैंने बोला हाइड्रोजन लगा है डैश पर और ड्यूटेरियम लगा है वेज पर और इस पर अटैक कर रहा मान लो OH माइनस, यानी इस कंपाउंड को मैंने ऐसे लिख दिया और इस पर अटैक करा दिया है OH माइनस पर। अब जरा इस कार्बन पर ध्यान देना पूरा, कंसंट्रेशन इस कार्बन पर रखिएगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, दिख रहा है एक बैलेंसी ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, चार चार बैलेंसी यहां शो कर रहा है कार्बन, इसका मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। दूसरी बात अगर हम बोलें तो जरा ध्यान से सुनना, असली खेल शुरू हो रहा है। इस क्लोरीन का 3p और कार्बन का 2p, यही तो समझना है, इस कार्बन का 3p और इस कार्बन के 2p के बीच कोवेलेंट बांड है, ये कम समझ में आया होगा। मैंने बोला इस क्लोरीन का 3p और कार्बन का 2p के बीच कोवेलेंट बांड है, ये कोवेलेंट बांड जो बना हुआ है बेटे ये किसके बीच है, क्लोरीन और कार्बन के बीच, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन आएगा 3p और कार्बन का कौन आएगा 2p, यानी अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बेटे लास्ट में 3p आएगा और कार्बन में 2p आएगा। मैं समझता हूं इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो बांड बना है 2p और 3p के बीच बना है, अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो 2p और 4p के बीच बांड बनता, अगर यहाँ आयोडीन होता तो 2p और 5p के बीच बांड बनता,
ओके इतना क्लियर है, श्योर है आप 100% श्योर है ना? हमने क्या बोला, ये जो बॉन्डिंग है इस चीज के बीच, कोवैलेंट किसके बीच है, कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p, अगर ब्रोमीन होता तो 4p आ जाता, अगर आयोडीन होता तो 5p आ जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जरा ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियोफिल है यानी OH-, ये इस कार्बन आइटम पर अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक कहां से करे, इधर से करे कि पीछे से करे, यानी ये फ्रंट में अटैक करे कि बैक में अटैक करे, ये समझना है असली खेल। असली खेल क्या समझना है, जरा ध्यान देना कि ये OH- फ्रंट से अटैक करे कि बैक से, तो ध्यान दीजिएगा 2p और 3p की बीच जो बांड है, इसी तरह 2p और 4p के बीच जो बांड होगा, 2p और 5p के बीच जो बांड होगा वो स्ट्रांग बांड होता है। फिर से ध्यान देना, लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, 2p और 2p के बीच बांड वीक होगा, लेकिन 2p और 3p के बीच बांड स्ट्रांग होगा, 2p और 4p के बीच बांड स्ट्रांग होगा, 2p और 5p के बीच बांड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रांग बांड है, तो OH अगर यहाँ अटैक करेगा तो इस बांड को तोड़ नहीं पाएगा। हमने क्या बोला, अगर OH यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्डिंग 2p और 3p के बीच है, तो ये बांड स्ट्रांग है, इसको तोड़ नहीं पाएगा, इसकी इतनी पावर नहीं है कि OH- जाए और बेटे इस बांड से कह दे कि तुम टूटो हम चिपकेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये OH- बैक साइड से अटैक करेगा। OH- किस साइड से अटैक करेगा, मैंने बोला OH- बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो बात यही, इस कार्बन पर कहां अटैक करे, एकदम क्लियर श्योर है कि OH- बैक से ही अटैक करेगा, लेकिन बात यह आई है कि OH- बैक से तो अटैक कर रहा है, लेकिन कार्बन पर कहां पर अटैक करे, तो कार्बन पर ही अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 11th क्लास में पढ़ रखा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, श्योर है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो बताओ ये OH- यानी कि न्यूक्लियोफिल बैक साइड से अटैक करेगा, वो भी कार्बन की कहां अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल AB अणु पर, श्योर, मैंने बोला कहां अटैक करेगा, AB अणु पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो पोजीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, इस कार्बन से CF3 जुड़ा हुआ था, H लगा था डैश में, D लगा था वेज में, और ये क्लोरीन इधर लगा था, OH इधर लगने लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा OH- इधर से बांड बनाना शुरू करेगा, उसी टाइम Cl का और C के बीच बांड टूटना भी शुरू होगा, यानी दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होंगे कि अलग अलग, एक साथ, यानी जिधर ध्यान दीजिएगा OH- इससे जुड़ना जिस समय शुरू होगा, उसी समय Cl का बांड और C के बीच का बांड टूटना भी शुरू होगा, यानी ये जिधर जब जुड़ना शुरू किया तो ये टूटना भी शुरू किया, दोनों प्रोसेस जोड़ तोड़ किए, दोनों प्रोसेस एक साथ चलेगी, ध्यान देना हमने क्या कहा, जोड़ तोड़ किए दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगी। इसी स्टेट को बेटे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, इसी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और चूंकि ये बैक साइड से यहां पर अटैक कर रहा है, ध्यान देना बेटा बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी जो अटैक है वो इनवर्ट है, फ्रंट नहीं है, इनवर्ट है, उल्टा है, इसीलिए इस अटैक को हम क्या बोलेंगे, वाल्डल इन्वर्जन, इसीलिए इस अटैक को हम क्या बोलेंगे, वाल्डल इन्वर्जन। तो
अटैक हो रहा बैक साइड से, इसीलिए नाम बोला गया वाल्डन इन्वर्जन। और ये जो स्टेट बनी है कि एक तरफ पुराना बांध टूट रहा है और उसी समय नया बांध बन रहा है, इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ओके, एक और बात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछे इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 5 दिख रही है, यानी कार्बन आपको पेंटा बैलेंट नजर आ रहा है। और जब पेंटा बैलेंट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा नजर आएगा, ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5 यानी आपको नजर आएगा sp3d या dsp3। क्यों नजर आएगा जरा सुनो भाई, 1s pk3 यानी टोटल मिलाकर 4, और इसको मिला ले डी को, अकेला है तो 5 1 3 1, तो 1, 3, 4 और 1 मिलाकर 5। अगर 5 बॉन्डिंग नजर आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा नजर आना चाहिए, sp3d या dsp3। लेकिन जो बॉन्ड टूट रहा है और जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। इसको और इसको काउंट जब नहीं करेंगे तो काउंट केवल 3 बैलेंसी यहां पर कर रहे हैं, 1, 2, 3। हमने क्या कहा जरा ध्यान देना, लास्ट बार हमने क्या कहा है जरा सुनिएगा, यहां पर इनको इनको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल इनको काउंट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके बजाय कैसा हो जाएगा, sp2। तो अगर कहें ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है कि sp3 होता है कि sp2 होता है, तो बेटे बोलेंगे sp2, क्योंकि जो बांड टूट रहा है और जो बांड बन रहा है इसकी इसको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट नहीं करेंगे। यानी एट दैट टाइम कार्बन इज पेंटावैलेंट, बट चूंकि इस जो बांड ब्रेकिंग और बांड फॉर्मेशन हो रहा है इसको मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए sp3d या dsp3 ना हो करके इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद ध्यान देना, असली खेल भैया अब है, खेल शुरू है, वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। एक और बात, जब ये अटैक कर रहा है, गौर करना बेटा, जब ये अटैक कर रहा है तो ना तो इलेक्ट्रोफिल, ध्यान दीजिएगा, ना तो कार्बोनियम आयन बन रहा है, ना कार्बेन आयन बन रहा है, ना ही फ्री रेडिकल बन रहा है, बल्कि एक बीच की एक स्टेट आई है, कौन सी, ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब यहां रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे। श्योर क्यों नहीं बनेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट तो तब बनता जब ये अटैक करता, तो या तो ध्यान दीजिएगा कार्बोनियम आयन बनता या कार्बेन आयन बनता या फ्री रेडिकल बनता। ना तो कार्बोनियम आयन बन रहा है, ना कार्बेन आयन बन रहा है, ना फ्री रेडिकल बन रहा है, यानी यहां कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं मिल रही है। ओके, इतना क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब बेटे क्या होगा, असली खेल सुनिएगा, यहां क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, H की जगह पर D आ जाएगा और D की जगह पर H आ जाएगा। इसको ध्यान देना, हमने क्या बोला, ये बेड पे है तो बेड पे ही रहेगा, ये डैश पे है तो डैश पे रहेगा, लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण यहां दिख रहा ना CF3 C, और मैंने बोला कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा तो ये D इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो बेटे ये हो गया D और ये हो गया H, और यहां देखना बेटा क्लोरीन जुड़ा था इस साइड, लेकिन OH जुड़ेगा इस साइड। इसका साइड क्यों चेंज हुआ, वाल्डन इन्वर्जन के कारण, वाल्डन इन्वर्जन के कारण, ड्यू टू रीजन ऑफ वाल्डन इन्वर्जन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वाल्डन इन्वर्जन, Cl लगा था जो इस साइड, न्यूक्लियोफिल लग गया इस साइड। ओके,
तो जरा बोला जाए रिएक्शन किस स्टेट में हो रही है, तो यू कह लीजिए कि इससे ये कंपाउंड एक ही स्टेप में बन रहा है, क्योंकि ये कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है नहीं, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। यदि इसके इसके बीच की एक स्टेट आ गई है तो बोलो बेटा रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, ओनली इन वन स्टेप, अकेले स्टेप में हो रही है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, वाल्डन इन्वर्जन भी होगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी टू। मकैलन क्लियर एसएन टू की कॉपी करें जल्दी से। बेटे अपना नाम सही कर लो, ये नाम कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, जो आप जो है लाइव चैटिंग में अपना नाम बैक बेंचर लिखे हैं ये मुझे कम अच्छा लग रहा है, आप फ्रंट बेंचर पे आ जाओ, फ्रंट पे गेम खेलो, बैक में जाके गम गेम क्यों खेल रहे हो। तो अपना नाम जो बेटा बैक बेंचर लिखा है ये अच्छा नहीं लगा मुझे। हम SN2 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, इसकी मकैनिज्म जान लिए हैं, अब हम जब SN1 की मकैनिज्म जानेंगे तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, कौन SN1 देगा तो SN2 नहीं देगा, कौन SN2 देगा तो SN1 नहीं देगा, यानी ये SN1 क्यों नहीं देगा, ये तभी क्लियर हो पाएगा जब हम SN1 की मकैनिज्म भी पढ़ लें। कॉपी हो गया, तो आइए देखते हैं एक बार फिर से इसी बात को फिर से एक बार जल्दी से देखिए। अगर इस पूरे मकैनिज्म में देखें, अच्छा ये बताऊं मैंने ड्यूटेरियम हाइड्रोजन दो डिफरेंट आइटम क्यों लिए थे, अभी मैंने ड्यूटेरियम हाइड्रोजन दो डिफरेंट आइटम किस लिए थे, जो एक क्लॉकवाइज रोटेशन था उसको समझाने के लिए कि हाइड्रोजन के प्लेस पर ड्यूटेरियम चला गया और ड्यूटेरियम के प्लेस पर हाइड्रोजन चला आया, लेकिन वे जो डैश नहीं चेंज हुआ है केवल रोटेशन हुआ है, उसे रोटेशन को क्लियर करने के लिए मैंने क्या ले रखा था, हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम ले रखा था। एक बच्चे ने पूछा है कि SN1 क्यों नहीं देगा, हमने कहा है कि SN1 इसलिए नहीं देगा, इसको हम डिटेल में तभी डिस्क्राइब कर पाएंगे जब SN1 भी पढ़ लें, तो SN1 SN2 को कंपेयर करेंगे तो एकदम 100% बात क्लियर हो जाएगी कि ये SN1 क्यों नहीं देगा। तो इतनी बात आई है क्लियर होकर के, इतनी बात फिल्टर होकर आई है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वो भी कैसी है, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दूसरी बात क्लियर होकर आई है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरी बात क्लियर होके आई है कि वन स्टेप में कंप्लीट होगी इसकी मैकेनिज्म और यहां पर नो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहां कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और अगली बात मैंने बोली थी यहां टीएफ मिलेगा, टीएफ का मतलब ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। और अगली बात मैंने बोला था कि यहां वाल्डन इन्वर्जन भी होगा, वाल्डन इन्वर्जन भी होगा। ओके है, यहां वाल्डन इन्वर्जन भी होगा और ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है और मैंने बोला यहां कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एक और बात मैंने बोली थी कि यहां वन डिग्री वाला जो होगा एल्किल हैलाइड वो तेजी से शो करेगा सेकेंड की तुलना में, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN2 नहीं देगी। और आखिरी बात मैंने बोली थी कि अगर एल्किल के साथ आयोडीन लगा तो फास्ट, ब्रोमीन लगा तो और स्लो, क्लोरीन लगा तो और स्लो, अगर फ्लोरीन लगा है तो और स्लो। ये बात यहां से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर कार्बन और आयोडीन के बीच 2p और 4p होगा, यहां 2p और 5p होगा,
यहां 2p और 3p होगा, यहां 2p और यहां 2p, 5p यहां 2p, 4p यहां 2p, 3p और यहां 2p, 2p। तो बताओ ये बांड स्ट्रांग है, इसीलिए इधर से अटैक नहीं होगा फ्रंट से। ये बांड भी स्ट्रांग है, फ्रंट से अटैक नहीं होगा। ये बांड भी स्ट्रांग है, फ्रंट से अटैक नहीं होगा। और ये बांड भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहां भी फ्रंट से ही अटैक नहीं होगा। तो फ्रंट से अटैक इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो बांडिंग बन रही है वो स्ट्रांग बांडिंग बन रही है। इसीलिए बांडिंग कहां से बनेगी? बैक से अटैक, हमला, जो हमला बोला जाएगा वो बैक से बोला जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वाल्डर इन्वर्जन। कल हम एसएलवन की मैकेनिक देखेंगे और एसएलवन की मैकेनिक देखने के बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एसएलवन और एसएलटू को। तो जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में उठ रही है, मैं जान रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आपके दिमाग में उठ रही, वो सारी प्रॉब्लम रफू चक्कर हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, सब कुछ एकदम ओके हो जाएगा, डन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना जरूरी है, और अच्छा लगे तो एक दो लाइक भी ठोक दिया करें, थोड़ा सा बूस्टअप होता है टीचर।